लिए अच्छा है कि नहीं, क्या मेरा यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या मैं अच्छे से इंजीनियरिंग कर पाऊंगा कि नहीं, क्या स्टडी के साथ साथ मुझे और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कॉलेज का स्टडी इन्वायरमेंट कैसा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको कॉलेज चूज करने के पहले आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो हे गाइस, ऋषि के शर्मा, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चूज अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज। एक 12th पास स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि क्या जिस कॉलेज में मैं एडमिशन ले रहा हूँ उसमें क्या मैं अच्छे से इंजीनियरिंग कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मेरा प्लेसमेंट हो पाएगा कि नहीं, क्या स्टडी के अलावा मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं, और हो भी क्यों ना, ये 4 साल के इंजीनियरिंग आपका 40 साल का फ्यूचर डिसाइड करता है। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए और वहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले कि आप अपना फ्यूचर अच्छा बना सकें। तो मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं कि इस टाइप से अगर आप कॉलेज को चूज करते हैं तो आप एक अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको, बाद में कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में आपको ये रिग्रेट भी नहीं होगा कि मैंने एक गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो आपको जो ब्रांच लेना है जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, जो भी ब्रांच आपको चूज करना है उसके बारे में पता करना पड़ेगा कि इस कॉलेज में इस ब्रांच से रिलेटेड मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और स्टडी के अलावा मैं इस ब्रांच से रिलेटेड किस और फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ या फिर कुछ और कर सकता हूँ। एक कॉलेज इन्वायरमेंट का भी मेन रोल होता है, आपका कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है, आपके कॉलेज के आउटसाइड के एरिया कैसे हैं, फॉरेस्ट में है कि कहाँ आउटसाइड में है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। सो लोकेशन तो आपको पता ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप डे स्कॉलर है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आप जहाँ आपका रूम है वहाँ से कॉलेज कितना दूर है, मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है और मुझे कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है, तो ये आपको कॉलेज का लोकेशन आपको पता रहना चाहिए। तो स्टडी के अलावा कॉलेज आपको किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या आपको कोई और भी गेम्स या फिर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाता है जिसमें आप अपने को खुद को बेहतर बना सके, तो अगर आपसे ब्रांच से रिलेटेड या फिर कोई भी जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करता हो जैसे पेंटिंग कंपटीशन, कोई भी स्पोर्ट्स कंपटीशन, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज देता है कि नहीं देता है। तो अगर आप हॉस्टल में हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका हॉस्टल कॉलेज से कितनी दूर है और आपकी हॉस्टल की फैसिलिटीज क्या है। हॉस्टल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है मेस, सबसे पहले मेस देखना पड़ेगा कि वहाँ का खाना एडिबल है कि नहीं है, इस तरह की फैसिलिटीज है हॉस्टल में, एक रूम में कितने लोग रहते हैं और हॉस्टल वाले को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये आपको पता करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लेसमेंट। हर स्टूडेंट का विश होता है अच्छे से अच्छे कंपनी में प्लेस्ड हो, हाई पैकेज में प्लेस्ड हो, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपके कॉलेज में किस टाइप की कंपनीज ज़्यादा आती है, क्या आपके ब्रांच से रिलेटेड कंपनीज आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लेसमेंट के लिए कॉलेज आपको कोई और फैसिलिटी देता है कि नहीं, कुछ कंपटीशन या फिर कोई भी तैयारी प्लेसमेंट के लिए करवाता है कि नहीं, जैसे GD हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ऐसे में कुछ करवाता है कि नहीं करवाता है, ये आपको पहले देख लेना चाहिए। मनी इज द मेन फैक्टर, क्योंकि आपको 4 साल के पेरेंट फीस पेड करेंगे, आपको एक डिसाइड करके चलना है कि इसके पॉइंट के अलावा मेरे घर पे भी या फिर मेरे पेरेंट्स को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अभी मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताए हैं या अगर आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली कॉलेज का फीस हाई होगा, तो ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। एक दो पॉइंट को छोड़ दें, आपको जिस टाइप का कॉलेज चाहिए आपके लिए वैसा है तो आपको वही कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। आपके कॉलेज के फैसिलिटीज को जानने के लिए जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 2 तरीके से इसको पता कर सकते हैं। फर्स्ट, उस कॉलेज में जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे आप बात करिए, उनसे आप पूछिए कि ये कॉलेज की फैसिलिटीज क्या है, हॉस्टल इन्वायरमेंट कैसा है इसका, इसका प्लेसमेंट कैसा है, या स्टूडेंट के लिए कोई और अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि नहीं। एडमिशन के टाइम पे कॉलेज अपने सपने दिखाते हैं या फिर वादे करता है, 4 साल तक रहता है कि नहीं, 4 साल तक फैसिलिटीज देते हैं कि नहीं देते हैं। सेकेंड, एडमिशन के पहले आप कॉलेज जरूर जाके विजिट करें, इससे आपको क्या होगा, फर्स्ट आपको कॉलेज का लोकेशन पता चल जाएगा, सेकेंड आपको इन्वायरमेंट पता चल जाएगा कि उसके आस पास की एरिया कैसी है, थर्ड आप कॉलेज को देख सकते हैं, वहाँ कॉलेज के जाने के बाद आपका मन पहले डिसाइड कर लेता है 50% या 100% मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए। फोर्थ, आप कॉलेज को देख सकते हैं, वहाँ पे जाके स्टूडेंट से बात कर सकते हैं
कि कैसा कॉलेज का इन्वायरमेंट है, कैसा ये है, फिर आप हॉस्टल में जाके खाना देख सकते हैं। सो मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये है कि कोई भी कॉलेज चूज करने से पहले आप सबसे पहले उस कॉलेज में जाके विजिट करिए, ये बहुत ही मेन फैक्टर है। आपका 100% माइंड क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। तो ये कुछ फैक्टर थे चूज करने के लिए एक गुड इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक इंजीनियरिंग फ्रेशर होने वाले हैं तो आपको तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो आज के स्टूडियो में इतना ही, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे।